शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाहन पार्किंग करने के विवाद के चलते लाडीकर लेआउट मानेवाड़ा रिंग रोड निवासी चेतन किशोर मेटांगड़े इस युवक के आरोपियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हुड़कीशर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। शहर में यातायात काफी बढ़ रहा है, पार्किंग को लेकर हर रोज कहीं ना कहीं घटना भी हो रही है। ऐसी एक घटना नागपुर के उदयनगर गार्डन के पास प्रसाद पैलेस स्थित अपार्टमेंट पार्किंग प्रांगण में हुई है। लाडीकर लेआउट मानेवाड़ा रिंग रोड नागपुर निवासी चेतन किशोर मेटांगड़े के साथ चार आरोपियों में वाहन पार्किंग को लेकर तू तू मैं हुई, जिससे बौखलाए चारों आरोपियों ने धारदार हथियार से चेतन मेटांगड़े के सीने पर लगातार वार किए, जिससे चेतन मेटांगड़े की मृत्यु हुई। हत्या करने के बाद चारों आरोपी फरार थे, लेकिन हुड़केश्वर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कलम 302, 34 आदि भारतीय दंड विधान के तहत कलम लगाकर कार्यवाही की गई है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इस घटना की जांच हुड़केश्वर पुलिस कर रही है। हुड़केश्वर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। हाँ बरोबर आहे, काल आमच्याकडे एक 314 आपली 2023 प्रमाणे धारावी प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। मृतक आहे चेतन किशोर मेटांगडे, वय 27 वर्ष, सावरगाव नरखेडचा राहणारा होता आणि हल्ली मुमकिन तो सावर विनू कारणाच्या समोर लाडेकर हाऊसमध्ये राहायचा, किराणी राहायचा। स्टोरी अशी आहे की मृतकाच्या आपल्या घटनेचा एक दोन दिवस अगोदर विधी संघर्षित बालिका आहे आरोपी, त्याच्या घरासमोर त्यांचं भांडण झालेलं होतं। भांडण झाल्यानंतर त्याने पाहुण घेण्याची धमकी देण्यात आली होती, मी तुला पाहुण घेईन। आणि 15 ऑगस्टच्या दिवशी असाच मृतक हा उदयनगर गार्डनजवळ आला आणि त्याच वेळेला ते विधी संघर्षित बालक त्याच्यासोबत तिघं चौघजण होते, त्याच्यामध्ये भांडण झालं। भांडण झाल्यामध्ये अचानक विधी संघर्षित बालकाने त्याला चाकू काढला आणि मृतक हा पळत निघाल्यामुळे इथे धक्का लागला, खाली पडला आणि त्याने 2-3-4-5 वार करून घेतलं, विधी संघर्षित बालकाने पळून गेला। सदर गुन्ह्यामध्ये आम्ही तीन आरोपींना जे या गुन्ह्याच्या संदर्भात असलेले तीन आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। तसेच त्या गुन्ह्यामध्ये अजून दोन विधी संघर्षित बालक आहे, त्यांना पण